सो गाइस हम जा रहे हैं आरी के शोरूम में। अगर आप सोच रहे हो कि हम हिमालयन 450 के लिए जा रहे हैं तो आपकी सोच एकदम सही है। हम हिमालयन 450 की टेस्ट राइड लेने के लिए ही जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता चला है कि टेस्ट राइड शुरू हुई है थाने में। एक बार मैं गया था ऑलरेडी, मतलब एक 2 या 3 हफ्ते पहले, तभी टेस्ट राइड की बाइक आई थी लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसी वजह से हमको टेस्ट राइड नहीं मिली। तो चलो अभी हमको जो पता चला है वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और उम्मीद करते हैं कि आज हमको टेस्ट राइड मिलेगी। तो हम जा रहे हैं अलॉन्ग विद जॉय। जॉय आपको मालूम है, आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा रहेगा जॉय को। जॉय मेरा बचपन का दोस्त है जिसके पास ऑलरेडी क्लासिक 350 है। हमारी राह देख रहे हैं यहाँ पे और हम आए हैं राकेश के गैरेज पे। क्या बात है जॉय, एकदम चकाचक। पहुंच चुके हैं 3-8 नाका और सो दिस इज जॉय का साला। और थाने में बुलेट के, मतलब आरी के दो शोरूम है, एक सिटी में है अभी, यहाँ से मतलब 2 सिग्नल आगे है और एक है वो है गोलबंदर रोड पे, मतलब गोलबंदर रोड अगेन फॉल्स इन थाने सिटी, बट वो एक्सटेंडेड पार्ट है सिटी का, थोड़ा दूर पड़ता है। तो हम अभी जा रहे हैं जो थाने सिटी में जो है वहाँ पे जा रहे हैं और होप सो टेस्ट राइड मिले। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं आरी के शोरूम में। ये राइट साइड में ये जो गेट है इसमें हमको अंदर जाना है। सामने आपको दिख रहा है आरी का शोरूम और हिमालयन भी रहेगी कहीं पे। ओके दिस इज हिमालयन जो टेस्ट राइड वाली है, पता नहीं यही है कि कोई और है, चलो हम चेक करते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। तो हम आए हैं आरी के शोरूम में, आप देख सकते हो, आपको पता चल गया रहेगा कि हम हिमालयन की टेस्ट राइड के लिए आए हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, चेक करते हैं टेस्ट राइड मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस गुड न्यूज़ है, हिमालयन की टेस्ट राइड मिल रही है। ये रही है हमारी टेस्ट राइड वाली बाइक, अभी हेलमेट पहनते हैं और मज़ा लेते हैं इसका, मतलब इतने दिनों से मैं रुका हूँ इसके लिए, तो देखते हैं। हिमालयन 450 इन फुल स्किन और हमको ये मिल रही है टेस्ट राइड के लिए। तो बोलना ज़रूरी है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माते की जय, हर हर महादेव। तो गाइस रेडी, चलो ये हो ही नहीं रहा है, मतलब मेरे एंगल में ही नहीं है, पूरा मैं दिख रहा हूँ इसमें। नहीं अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन इसका तो इसका एंगल ही नहीं, इसको पूरा आगे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। गाइस हाई रेविंग इंजन है तो इसका आरपीएम आपको हाई रखना पड़ेगा। ये मिरर्स है ना यार, ये मिरर्स के सिवा मुझे चलाना बहुत दिक्कत हो जाता है गाड़ी। जबरदस्त है, ऐसी छाव आ गई, आप देख सकते हो ये वाइट से मीटर है ना, डार्क हो गया, मतलब नाइट मोड में चला गया। अभी हम वापस धूप में जाते हैं। देखिए
देख के वाइट हो गया वापस से। हम आगे वापस आ गए हैं तीनर नाका, तो हम पूरा सिग्नल पे नहीं जाएंगे, आगे से कट है, अंदर से जाएंगे और फिर हाईवे पकड़ेंगे वापस। ओहो और क्या चाहिए भाई, ये मिरर ठीक होते हुए ना यार मजा आता था मेरे को, है ना, मिला ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मिरर्स चाहिए भाई, मिरर्स के बिना जिंदगी अधूरी है बाइकर्स की स्पेशली। यहाँ से हम टर्न लेंगे और ये आ गए हम ट्रायंफ के शोरूम में। स्पीड पेपर है इसको लो गियर करना पड़ेगा, अब थर्ड गियर में आप उठा नहीं सकते अगर स्पीड कम करते हो तो, क्योंकि इसका आरपीएम कम है। देखो अभी सेकंड गियर पे इसका मैंने 2500 पे मैंने आरपीएम रखा था, ये बराबर उठती है। आदत होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन भाई जबरदस्त है, जबरदस्त मतलब मेरे आरी ने, आरी के बारे में जो मेरी सोच थी इस गाड़ी ने उसको पूरी तरह से बदल दिया है। नाम तो बताऊंगा मैं आई के बारे में क्या बोलता था, इसी वीडियो में डालूंगा मैं, देखिए आगे जो मेरे डायलॉग हुआ करते थे पहले। ओके लो गियर करो और फिर भाई गाड़ी नहीं है, जरा संभाल के चलाना पड़ेगा। जबरदस्त भाई जबरदस्त, मैं यूजुअली ऐसे नहीं चलाता हूँ लेकिन टेस्ट राइड ले रहा हूँ इसके लिए उसको थोड़ा, है ना, उसके मजे ले रहा हूँ मैं। दिस विल नॉट डू फॉर अस, इसका व्यू मतलब अगर ये सही एंगल में भी रहेंगे ना तो भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसका व्यू है ना बहुत लिमिटेड है। सो आई नीड सम ह्यूज मिरर्स, मतलब उसका सर्फेस एरिया ज़्यादा हो, ह्यूज मतलब सर्फेस एरिया ज़्यादा हो जिसकी वजह से ना एक क्लियर कट पिक्चर मिले पीछे क्या चल रहा है अपने। अपार्ट फ्रॉम इट सो फार आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फॉर दिस बाइक। 1900 होते रहेगा वो देखते रहेंगे। तो अभी हम पहुँचेंगे शोरूम, इसको डिपॉजिट करते हैं गाड़ी को, सीट हाइट इसका चेक करना पड़ेगा एक बार क्या रखा है इन्होंने। ये शायद से 425 पे, और ये 425 का 445 पे जाता है तो शायद से ये अभी ये सब एवरेज यूज़ कर रहे हैं लोग तो 425 पे रखा रहेगा। तो एक बार हम इसको ना 825 पे करते हैं और बाद में चेक करते हैं। हीट काफ़ी मार रहा है अभी, पैर पे हीट आ रहा है क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में खड़े हैं। मैंने गाड़ी भी बंद नहीं किया, आइडियली आई शुड हैव यू नो शट डाउन द इंजन। अरे यार कितना पीछे है इसका स्टैंड, अरे धमाल 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 जबरदस्त। चल बाद में मिलते हैं, तू जा टेस्ट राइड कर पहले और तेरा भी रिव्यू बता मेरे को। तो गाइस टेस्ट राइड ले लिया हमने, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे बोलना था मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ड्यूरिंग द राइड, बट इट्स माइंड ब्लोइंग। तो जैसे मैं कह रहा था कि मुझे आरी के बारे में ना मेरी सोच बहुत अलग थी एंड दिस पर्टिकुलर बाइक हैज़ चेंज इट एंटायरली। मतलब जो सालों से मैं हमेशा ये बोलता था आई लव आरी बट आई डोंट वॉन्ट टू ए प्राउड ओनर ऑफ इट, बट या टूडे आई फील दैट आई बी प्राउड ओनिंग अ आरी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो अभी जॉय गया है टेस्ट राइड के लिए, वो आएगा कि हम उसका भी रिव्यू लेते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जॉय
How was it? You can see the smile in my face. वो तो हमेशा स्माइलिंग रहता है, और कुछ बता इसके आगे? नहीं, कुछ खुल के बता, खुल के। On a serious note, coming from Bullet 350, जो मैं अभी करंटली चलाता हूँ, ये तो एक अलग ही बीस्ट है। थोड़ा थ्रॉटल लो एंड में स्नैची लगा, हल्का सा, पता नहीं टेस्ट ड्राइव है शायद, तो लो एंड में थोड़ा वो है, मिड रेंज इसका आरपीएम है ना 1800-2000 के करीब रहेगा ना, तभी मतलब 2000 के ऊपर रहेगा ना तो ही आप उसको, हाँ, तभी ये उठ रहा है, नहीं तो नहीं उठेगा, खींच रहा है। हाँ, तो सस्पेंशन इज क्रेजी, राइडिंग पोजीशन, राइडिंग स्टैंस इज एक्सीलेंट। ये जो मेरा हाइट है, आई एम समवेयर अराउंड 5'6" पॉइंट समथिंग, और आई कैन इजीली मैनेज, ये सो जॉय टिपटो कर रहा है बेसिकली, बट टिपटो, इट्स अ मैनेजेबल टिपटो, नॉट एग्जैक्टली जहाँ पे एक तरफ आपका पैर ही नहीं लग रहा है। तो ये अभी मेरे ख्याल से 825 रहेगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ना 845 रहता तो मेरा हल्का एक ना मामूली जैसा टिपटो होता था, बट इस पे मेरा फ्लैट बेटर है, लेकिन आई स्टिल वुड प्रेफर 845। बट इट्स लाइक कंसोल इज वेरी नाइस, मतलब एकदम विजिबल है कंसोल, ये हैंडल पोजीशन इज ओके, आई वुड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस मेरे राइडिंग। हां, मुझे लगता है कि यहां पे हैंडल बार राइजर डालेंगे तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वी कैन ऑलवेज लुक फॉर अ डिफरेंट हैंडल, बट जो बनाया है, जो इंजन का स्मूथनेस है इज नेक्स्ट लेवल। आई कैन नॉट इमेजिन रॉयल एनफील्ड कैन मेक सच अ स्मूथ इंजन। और अभी तो लोग बहुत बोलते हैं कि इसका क्लच हार्ड है, लेकिन हमको मुझे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आई हैव कम फ्रॉम FZ25 जिसका क्लच है ना वैसे ही हार्ड है, तो इतने सालों से आदत लगी है, तो ऐसा लग रहा है, मतलब वैसे मेरे को ना क्लच, स्पेशली क्लच के बारे में मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, मुझे लग रहा है यार मैं अपना FZ25 चला रहा हूँ। करेक्ट, अभी एज अ टेस्ट ड्राइव बाइक इसमें थोड़ा सा प्ले ज़्यादा है, तो इसको एडजस्ट कर देंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बट ओवरऑल ऑसम। तो चलो अभी लेके चले, चलो ये ले लेते हैं, बोलो उनको दे देंगे। सो गाइज, आई वुड लाइक टू अनाउंस यू द न्यूज़, मतलब जब इकमा में 7 नवंबर को ये जब भी लॉन्च हुआ था, मैंने विद इन एन आवर मैंने बुक किया था, बुकिंग अमाउंट मैंने दिया था, और प्रोबेबली बहुत जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट आरी कुछ अलग हिसाब में काम करता है, मतलब यूजुअली जो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, जिनका थोड़ा बहुत वेटेज है, उनको गाड़ियाँ जल्दी मिलती है। आई एम स्टिल फाइन विद इट, एटलीस्ट उन लोग से हमको पता तो चलेगा क्या क्या इशूज़ है, क्या नहीं है, क्या आगे जाके हमको झेलना पड़ेगा, सर्विस कॉस्ट क्या है, तो दैट्स फाइन विद मी। तो विल जस्ट वेट फॉर टाइम टिल द टाइम यू नो ऑफिशियली हमारे नाम की गाड़ी आती है। और या वन मोर थिंग, मैंने जब बुक की थी, मैंने बुक की थी हानले ब्लैक, क्योंकि ब्लैक वॉज सुपर्ब, तभी तो उन्होंने कॉस्ट भी जो था वो भी डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने हानले ब्लैक की बिकॉज ऑफ यू नो द ब्लैक एंड जो गोल्डन कलर का जो उसका रिम्स था उसके वजह से। लेकिन जब ही ये वाला दिस इज़ काजा ब्राउन, तो जिस दिन काजा ब्राउन ये शोरूम में आया, मतलब यही गाड़ी आई थी टेस्ट राइड वाली, तो ये गाड़ी को मैं देख के मैं इतना खुश हो गया, मतलब दिस वॉज लाइक आउट ऑफ द क्राउड है ना, ये अलग लगती है बहुत। तो मैंने बोला नहीं, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, मुझे यही चाहिए बिकॉज ये कलर मुझे बहुत पसंद है। एंड वन मोर थिंग इज, अगर ये देखो दिस इज़ अ ब्लैंक कैनवस, आप इस पर ना आपका जो इमेजिनेशन है वो आप इसमें कर सकते हो, तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ इस पर कर लेंगे। तो चलो अभी वापस अंदर जाते हैं और इनको चाबी देते हैं टेस्ट बाइक की, और फिर बाद में मिलते हैं। एक फीडबैक देना था, ये जो मिरर जो पोजीशन है ये थोड़े ऑड है, क्योंकि अभी तो ये सेट नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा आगे है, तो ये इसको पीछे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आई वुड नॉट प्रेफर दिस मिरर्स बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया ना बहुत छोटा है और पीछे क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। और अगर हम लोग इनकेस यू आर वेयरिंग अ राइडिंग जैकेट, आई डोंट थिंक यू नो राइडिंग जैकेट यहाँ तक आएगा तो ये पीछे विजिबल नहीं होगा। तो मैं द फर्स्ट थिंग इज चेंजिंग द मिरर्स बिकॉज मिरर इज समथिंग विच इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट, क्योंकि आपने मेरे कोंकण राइड में देखा रहेगा इतना परेशान हो चुका था मैं 3 दिन में जो मिरर्स के वजह से, और मिरर्स इज समथिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट। तो गाड़ी है 4-व्हीलर हो या 2-व्हीलर हो, मिरर्स या एक्टिवा भी मैं बिना मिरर्स के चलाता नहीं है, तो पहली चीज़ है तो मैं मिरर्स चेंज करूँगा, बाद में देखते हैं क्या करना है।
सो गाइज, ये कुछ रिव्यू वीडियो नहीं था, प्योरली हमारा टेस्ट राइड का वीडियो था, और जो मुझे फील हो गया चलाने के बाद बस उसी के बारे में था, क्योंकि रिव्यू वीडियो से बहुत लोगों ने बनाया ये ऐसा फलाना धमकाना, हमको उसमें जाना नहीं है, हमको गाड़ी पसंद आई है, अभी देखते हैं कि इसका डिलीवरी कभी होएगा। मिकी जसविंदर सिंह बख्शी, ये भी अपना बचपन वाला दोस्त है, अभी इसने भी टेस्ट राइड ली है हिमालयन की, हाउ वाज इट? अरे वेरी नाइस, इट बहुत अच्छा है, जो थ्रॉटल है उसका जो देने के बाद जो गाड़ी जो पंप करके जो उठता है, अमेजिंग अमेजिंग, आई थिंक यू शुड ट्राई, जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हो जाके एक बार टेस्ट राइड जरूर लो। तो मिकी ऑलरेडी 350 चलाता है क्लासिक, तो ये इसकी ये है क्लासिक 350, देखिए ये इतने साल से तू चला रहा है क्लासिक 350, इसमें क्या फ़र्क पड़ा? जो सबसे बड़ी बात जो उसका, जब आप थ्रॉटल देखिए, जब गाड़ी को उठती है तो जो पंप मिलता है, दैट इज़ अमेजिंग, वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक चलाता हूँ, बट वो जो पंप है वो नहीं मिलता उसमें, इसमें वो जो चीज़ मिलती है एंड पावर अमेजिंग, बहुत अच्छी, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। सो गाइस, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, एक छोटा सा रिव्यू दिया हमने, मतलब रिव्यू नहीं, टेस्ट राइड लिए, हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे फिर से, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।